इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 24.4 पार्ट सी संख्यात्मक योग्यता, क्वेश्चन नंबर 76। जब 17,985, 22,814, 19,741 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो प्रत्येक मामले में शेष मतलब उसका उत्तर सामान्य होता है, एक ही आता है। तो एक्स के अंकों का गुणाफल क्या होगा, किससे उनको गुना किया जा रहा है, सबसे बड़ी अंक से। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा 108। 108 से आप इसको क्या करो, विभाजित मतलब भाग करो। भाग करोगे तो आपको आंसर इतना ही आएगा, मतलब चार तीनों का एक ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 77। एक निश्चित राशि 12.5% वर्ष के साधारण ब्याज दर पर 2.1/2 वर्ष में 4200 हो जाती है। 3.3/5 वर्ष के लिए 7.5% वर्ष की दर से उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज कितना रुपया होगा, 864 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 78, इसको तो भैया आप ही देख लो क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा इसमें है। इसका समीकरण आप करके इसको बनाकर इसके बाद से आपका आंसर मैं केवल बता देता हूं, आंसर होगा इसका 6.2/3, नहीं तो ये आंसर भी आ सकता है 6×3=18, 18×2=20/3। क्वेश्चन नंबर 79। 13,824 की राशि 10% वर्ष की दर से 1.1/4 वर्ष में 5 मासिक आधार पर चक्रवर्ती किए जाने पर एक्स हो जाएगी, तो एक्स का मान कितना होगा, तो एक्स का मान कितना होता है, 15,625, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 80। एक शंकु और एक गोलाधार में सामान्य आधार है, एक शंकु और एक गोलाधार में सामान्य आधार है, समान आयतन है। यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो गोलाधार की त्रिज्या क्या होगी, तो गोलाधार की त्रिज्या इसमें से बताना है कि कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, थोड़ा इसको जूम कर दूं, कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। 277 मीटर लंबा एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि किसी पुल को पार करने में 45 सेकंड लगता है तो पुल की लंबाई कितनी होगी, तो पुल की लंबाई 473 मीटर होगी, तो ही उसको 45 सेकंड में पार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82। दो पाइप ए और बी क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी प्रति मिनट 36 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल ले जाते हैं तो टैंक एक घंटा में भर जाता है, तो टैंक की क्षमता कितना लीटर है वही ज्ञात करना है। तो टैंक की क्षमता करीबन कितने लीटर है, 864 लीटर उसका आंसर होगा, और 864 लीटर का कोई भी टंकी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 83। ए ने 25% लाभ पर बी को एक वस्तु बेचा, ठीक है, बी ने उसे सी को 30% लाभ पर बेचा। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72 अधिक है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया है, ए कितना भुगतान करता है, तो ए 576 रुपया भुगतान करता है। क्वेश्चन नंबर 84। ग्राम वृत्ताकार शंकु की वक्र सहत का क्षेत्रफल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन 3163.8 होगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 85। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु वर्ष में आयु का अनुपात 10:13 था, ठीक है, जब से 9 वर्ष बाद मतलब अब से 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, मतलब कितने साल के वो होंगे,
आयु में बताना है, मतलब ईयर में, साल में बताना है, ठीक है? तो 85 का आंसर हो जाएगा 81, इसका उम्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, 86 का भैया आप ही देख लो इसको, उसके बाद से इसका मान ज्ञात कर लो। मैं इसका केवल आंसर बताता हूं, 1/8 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए? ये सवाल आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर, यह जहां क्वेश्चन मार्क लिखा है यहां पर कौन सा नंबर आना चाहिए ए बी सी डी में से? तो यहां पर आएगा -4 आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 88, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 125 मीटर से हरा देता है। कितना? ए बी को 125 मीटर से हरा देता है। यदि ए की गति 16 मीटर सेकंड है तो बी की गति कितना होगा? तो बी की गति होगा 18 मीटर सेकंड। कितना? 18 मीटर सेकंड। जी नहीं, यहां पर सवाल फिर से देखो, ए ने बी को हराया है कितना से? 125 मीटर से, ठीक? तो यहां पर ए का स्पीड 16 मीटर है, तो ये जो हरा है तो इसका कितना होगा? 14 मीटर सेकंड इसका स्पीड हो जाता है, तभी वो हार सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, यदि किसी मूलधन पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो प्रति वर्ष दर कितना प्रतिशत हो जाएगा? उसका पैसा कितना बढ़ जाएगा? तो उसका 12% बढ़ जाएगा, क्योंकि महीना में एक तो एक एक बढ़ रहा है, तो 12% हो गया 12 महीना का। क्वेश्चन नंबर 90, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समबाहु त्रिज्या का परिमाण है √3 = 1.73। तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 60 सेमी, 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 91, जब आप सेव करते हो, मतलब किसी भी चीज में सेव करते हो कंप्यूटर में, तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहता है जब आपका कंप्यूटर बंद रहता है। इसका आंसर कौन होगा? रैम में रखोगे तो आपका गायब हो जाएगा, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आप रखते हो तो ही आपका डाटा बचा रहेगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 92, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर है क्या है? हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। मतलब ये मशीनरी लैंग्वेज में क्या करता है? भाषा को बदल डालता है, उसी को बोलते हैं कैम्पिलर, कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 93, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं? तो एक बाइट में कितना नंबर होता है? एक बाइट में 16 होता है। क्वेश्चन नंबर 94, किस कमांड के सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? इसमें से कौन सा वो सॉफ्ट की है जिसके वजह से हम उसकी सहायता से हम दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो 94 का आंसर होगा Ctrl+S, मतलब सेव कर देंगे तो बच जाएगा, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 95, एकस में किसी विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाया जा सकता है, तो चार्ट विजार्ड से ही उसका एक वहां पर चार्ट बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 96, मेगाबाइट में मापते हैं, मेगाबाइट में किसको मापते हैं? कंप्यूटर के स्मृति क्षमता मापते हैं मेगाबाइट में। उसके बाद से जीगाबाइट होता है, जीबी, ये एमबी हो गया ना, एमबी के बाद जीबी होगा, जीबी के बाद टीबी होगा, टीबी के बाद। क्वेश्चन नंबर 97, सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जाता है? तो सी भाषा में किसको लिखा जाता है? यूनिक्स को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो उसको एडिट बोलते हैं, एडिट मेनू को सिलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको लिनक्स बोलते हैं, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेस्कॉट क्या है? उसका मेस्कॉट हमको क्या बोलेंगे? पेगविन होता है उसका मेस्कॉट, पेगविन। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 100, डायनामाइट का डैश द्वारा आविष्कार किया जाता है। डायनामाइट को किसके द्वारा आविष्कार बनाया जाता है? अल्फ्रेड नोबल्स के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल्स। और डायनामाइट को उड़ाने के लिए तार की जरूरत है, उसमें करंट दौड़ाया जाता है और करंट जाकर उस विस्फोटक में आग लगाता है, इसके कारण डायनामाइट ब्लास्ट करता है। तो प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट, और ये पूरा सेट खत्म होता है, 24 नंबर सेट आपको खत्म होता है। ये रहा आपको आंसर। आपको आंसर चाहिए तो आप मेल पर मैसेज कर सकते हैं, विद इन 24 आवर में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं, आप सजेशन देना, उसको बहुत होशियारी से और बहुत ध्यान पूर्वक उस आपके सजेशन पर नजर रखा जाता है और उस पर मेहनत किया जाएगा। धन्यवाद।